प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज सुबह 5:30 बजे विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने नंदवाना स्थित राधा रानी के मंदिर में पहुंचकर उनके दर्शन किए। यहां भजन कीर्तन भी गाए। बता दें कि विदिशा के नंदवाना में राधा रानी का एक मंदिर स्थापित है, जो साल में सिर्फ राधा अष्टमी पर एक बार ही दर्शन के लिए खोला जाता है। बाकी पूरे साल गुप्त रूप से मंदिर में पूजा अर्चना होती है। इसके इतिहास से अवगत होने और दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने कहा कि कोरोना के कारण पिछली बार मैं बरसाना नहीं जा पाई, जब उन्हें विदिशा में राधा रानी की ठीक उसी प्रकार के दिव्य रूप के दर्शन मिलने की उम्मीद थी तो वो यहाँ आई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि विदिशा धन्य धान्य धार्मिक स्थान और आस्था को राजनीतिक रूप में देश में अपनी अलग पहचान रखता है। संभव है कि राधा रानी के प्रभाव से ही विदिशा की पहचान चारों तरफ फैली हुई है। लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अष्टमी है और पूरे भारतवासियों को पता होना चाहिए कि बरसाने के अलावा एक जगह और राधा रानी विराजमान है और वो हमारे विदिशा में है। विदिशा एक ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है, एक संस्कार नगरी है, भक्ति भावना की नगरी है, वैष्णव जनों की नगरी है। इसलिए राधा रानी ने बिल्कुल सही जगह का चयन किया है। वो बिल्कुल सही जगह पे आकर के रुक गई यहाँ पर और उन्हीं की कृपा से विदिशा धन धान से संपन्न है। और हमेशा विदिशा जो है वो हिंदुस्तान में धर्म का, हिंदू धर्म का गढ़ माना जाता है। उसका कारण शायद राधा रानी की उपस्थिति रही है, मैं ऐसा मानती हूँ। आज मैं राधा रानी के दर्शन करने आई। मैंने राजस्थान पत्रिका में पिछले साल राधा रानी के बारे में पढ़ा और बरसाने जा नहीं पा रही थी, क्योंकि पिछले साल कोरोना के कारण आपको याद होगा इस महीने में वहाँ के पट बंद थे, यानी कि अलाउड नहीं था कोई। तो मैंने जैसे ही पढ़ा मैं तुरंत यहाँ आई और जब मैंने यहाँ का इतिहास सुना कि ये तो करीब 300-400 साल पहले ये प्रतिमा राधा रानी की यहाँ आई है और ये बड़ी सिद्ध प्रतिमा है, तब मुझे लगा कि विदिशा की पूरी महिमा का जो मुख्य कारण है वो यह है कि राधा रानी जो है वो विदिशा की महारानी है। अब तक के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।